आगे होगी। सुने, आप सब ने पीछे रहना है, हम पुरमन तौर पे प्रेस क्लब पहुंचेंगे, वहां पे इस्लामाबाद के और शहरी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं निकले घरों से, इस्लामाबाद के वो लोग खामोश जो अभी तक घरों से नहीं निकले हैं, उनको मैं इल्तिमास करता हूँ कि आए, अभी भी वक्त है, हमारे साथ शामिल हो जाए। ये सड़क और वो सड़क दोनों पे फैल जाओ, दोनों सड़कें लेके हम इवाने सदर के नजदीक हम इसी रोड पे F6 की तरफ मुड़ेंगे और प्रेस क्लब जाएंगे। आप तमाम लोग अपनी गाड़ियां साइड पे कर लें, आपने मेरी गाड़ी के पीछे आना है। तमाम गाड़ियों में किसी गाड़ी को ये मनाजर है, आपको यहाँ नौजवान कमिश्नर राहुल पिंडी ने अभी आधा घंटा कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सुबह खुदकुशी करने वाला था, क्योंकि पीटीआई के 13 हलके जो 70,000 से लेकर 1,00,000 तक पीटीआई ने जीते थे, मुझसे जबरदस्ती नून को दिलवाए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि पीटीआई पूरी पिंडी डिवीजन में क्लीन स्वीप कर चुकी है। अब आगे सुनो, उसने कहा मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म किया है। आपने आप इस रैली में मेरे पीछे आना है, हमने पुरमन रहना है। अगर आपके बीच कोई सरपसंद आपको नजर आए, कोई आपने उसका लिहाज नहीं करना है। सुनो, सौरन पकड़ना है, उसकी तुर्कत बनानी है। अगर अगर पुलिस सामने आए, सुनो, पुलिस उधर प्रेस क्लब तक कहीं पर नहीं है, लेकिन अगर सरकार कानून में हाथ पे लेने की कोशिश करेगी, सुने, मैं उनसे बात करूंगा। आपने कोई रिएक्शन नहीं देना है। अगर उन्होंने जाति करने की कोशिश की तो मैं उनको बताता हूं कि 9 मई से हमने आपका जुल्म बर्दाश्त किया है। आप बस जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर उन्होंने, सुने, हमने हर हालत में पुरमन रहना है। इस्लामाबाद के लोगों को आपके तवज्जुह से अपील करता हूँ, आज का तारीखी दिन है, इस्लामाबाद के लोगों, पाकिस्तानियों, निकलो। खामोश हो जाए ना। इस्लामाबाद के लोगों को आप लोग वीडियो लगाएं लाइव, उनको गैरत दिलाएं। आज पाकिस्तान पूरा निकला हुआ है। इस्लामाबाद में ये सड़कें, तमाम सड़कें भरी हुई नजर आनी चाहिए। आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर पूरा इस्लामाबाद इधर होगा।
क्या बात है? सुने यार, मेरा खामोश हो गया। किसी का भी बाकी नहीं चाहिए। निकला है ये मुनाजरा।